हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, कई बार आपने ये देखा होगा कि आपके डॉग के स्टमक के अंदर गैस की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस गैस की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ब्लोटिंग। अब बेसिकली इस कंडीशन को हम ब्लोट इन डॉग्स बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है स्टमक के अंदर गैस का भर जाना। अब गाइस, जो लार्ज एनिमल होते हैं, जो काओ बफेलो है, उनके अंदर रूमन होता है। रूमन के अंदर अगर गैस भर जाती है तो उसको हम बोलते हैं टिम्पैनी। ये लार्ज एनिमल की डिजीजेस होती हैं। और ये जो ब्लोटिंग की एक कंडीशन है, बेसिकली इनको हम डिजीज नहीं बोल सकते, लेकिन मैं इसमें डिजीज ही यूज कर रहा हूं, बिकॉज़ आपको डिजीज से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनके अंदर होती है टिम्पैनी और डॉग के अंदर होता है ब्लोट। अब गाइस, इसमें आपको क्या नजर आएगा, आपके डॉग का जो स्टमक है वो फूला हुआ नजर आएगा। जब आप उस पे टच करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइटनेस फील होगी, यानी इसका मतलब ये है उसके अंदर गैस भर गई है। और कई बार तो जब आप उसे टच करोगे तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी स्किन जो होती है। तो ये भी आपको फील होगा कि आपके डॉग की जो स्किन है, जो स्टमक वाला जो पार्ट है, एब्डोमिनल जो रीजन है, वहां पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर एक बनेगा। तो गाइस, आज मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो प्लीज, अगर आप सॉल्यूशन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज हम डॉग्स और कैट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वीडियो रहने वाली है आपके लिए। तो गाइस, सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ज़ाइमोपेट सिरप। ज़ाइमोपेट सिरप एक एंटी फ्लैक्चुलेंट ड्रग है और साथ में एंटी कार्मिनेटिव्स भी है, या बेसिकली कार्मिनेटिव हम इसको बोल सकते हैं। कार्मिनेटिव्स ऐसी मेडिसिंस होती हैं जो कि गैस के रिमूवल में हेल्प करती है स्टमक से। और गाइस, साथ में मैं आपको इसकी डोज रेट भी बताऊंगा। लेकिन सेकंड प्रोडक्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, डिक्टोन सिरप, ये भी एक एंटी कार्मिनेटिव है, या जिसको हम कार्मिनेटिव भी बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इनका यूज कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना है, इनमें से एक सिरप का आपको यूज करना है। अब करते हैं बात हम इसकी डोज रेट की। तो अगर गाइस आपके डॉग का बॉडी वेट 10 kg है तो आप अपने डॉग को 2 से 3 ml दिन में 3 बार दे सकते हो। लेकिन अगर आपके डॉग का बॉडी वेट 10 kg से ज्यादा है, मतलब अगर 20 kg है, तो गाइस आप अपने डॉग को 5 ml दे सकते हो दिन में 3 बार। लेकिन अगर 20 kg से भी ज्यादा का बॉडी वेट है आपके डॉग का, तो गाइस आप 7 ml भी दे सकते हो दिन में 3 बार, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, इनमें से आपको एक ही टॉनिक का यूज करना है। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट और करूंगा वीडियो के बीच में, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बिकॉज हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट अस। और गाइस, टारगेट रखेंगे 100 likes का, मिनिमम टारगेट है, प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, थर्ड जो पॉइंट आता है, आपको अपने डॉग की डिवॉर्मिंग प्रॉपर टाइम से करनी है, प्रॉपर शेड्यूल से करनी है। डिवॉर्मिंग की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, आप किसी का भी यूज करके पपी के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो, या अगर डॉग को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो डॉग में आप टैबलेट का यूज करना, पपी में आप सस्पेंशन यानी टॉनिक का यूज कर सकते हो, एक लिक्विड का यूज कर सकते हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, साथ में एक टिप और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, आपको मॉर्निंग के टाइम अपने डॉग को बॉइल्ड वाटर पिलाना है, यानी जैसे वो फ्रेश हो जाए, यानी टॉयलेट वगैरह हो जाए उसका, जब पपी वगैरह जो पुप करता है वो प्रोसेस अगर खत्म हो जाए, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, बॉइल्ड वाटर अपने पपी को पिलाना है। साथ में आप उसके अंदर 2 चम्मच हनी भी ऐड कर दीजिए। अगर आप ये फॉलो करोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बना रहेगा, आपके डॉग के स्टमक के अंदर गैस की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो गाइस, ये था एक सॉल्यूशन जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया। लेकिन गाइस, कुछ और भी टिप्स हैं। गाइस, आपको अपने डॉग को कॉफी बिल्कुल भी नहीं पिलानी है, ना ही उसको चाय देनी है, ना ही आप अपने डॉग को स्पॉइल्ड फूड दीजिए। अगर जो वीट से बनी चीजें हैं वो भी अगर आपका डॉग खा रहा है तो उनको भी बंद कर दीजिए, उनसे भी गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर गैस की फॉर्मेशन हो रही है तो एक्सरसाइज के ऊपर आप ज्यादातर मात्रा में ध्यान दीजिए, डॉग की एक्सरसाइज करवाइए। तो गाइस, मैं आशा करूंगा आज का जो हमने आपको सॉल्यूशन दिया है आपके लिए लाभदायक रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।